आपको लेकर चलते हैं अगली तस्वीर दिखाने के लिए, वार्ड क्रमांक 9, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देशमुख और साथ ही दीपक वाणी, उनके साथ दो लोग और जो पूरे चारों पैनल है, सभी ने मिल करके एक रैली निकाली। साथ ही वहां पे जो दृश्य बना वो देखते बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने वर्चस्व को कायम रख रही है। हम आपको लेकर चलते हैं वहां का दृश्य दर्शाने, वहां के प्रत्याशी रवि से है संजय पाटिल और ब से है रवि सावंत और क से है मारुति देशमुख की भाभी और डी से है मैं दीपक बलवंतवानी। और विकास के मुद्दों का ऐसा है, यहाँ से इससे पहले कौन जीत के आया वगैरह वो सब मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने क्या किया जनता तो देख रही है। अब बस ये सब यहाँ पे विकास अच्छी तरह से हो, यही सब काम करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी ली। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 9 में जो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर हम लोग जरूर मतलब अच्छा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारे खासदार साहब ने भी अभी नया 300 लीटर MLD पानी मंजूर करके था, तो हम लोग यहाँ पे हमारे निधियों में से बड़ी बड़ी टंकियाँ लगा के उसमें से हम लोग पानी स्टोरेज करके हर वार्ड में अपने सर्कुलेट करेंगे। दूसरा जो सड़क की जो दुर्वस्था है उसके ऊपर भी हम लोग हमारे निधि में से जहाँ पे सीसी रोड जैसे हमारे आमदार निधि है खासदार निधि यूज़ करके हम लोग वार्ड क्रमांक 9 को जैसे जो मतलब अभी तक यहाँ के नगर सेवकों ने मेरे सहयोगी संजय पाटिल, मेरे सहयोगी रवि सावंत उनकी मिसेस रुतिका सावंत और मेरा भाई संतोष देशमुख उनकी मिसेस रोहिणी संतोष देशमुख, ये लोगों को हमने इस बार भारतीय जनता पार्टी से माध्यम से हमने उनको प्रचार के लिए लिया है, उम्मीदवारी मिली है। और भाजपा से हमारा जो प्रवेश करने का उद्देश्य यही था, पारदर्शक कारोबार है और हमको एक उम्मीद है। उम्मीदवार में मेरे साथ रोहिणी संतोष देशमुख, रवि सावंत और दीपक वानी साहब है। हमको जो टिकट मिली है खाली यहाँ पे प्रभाग में 9 में विकास करने के लिए हमको टिकट दिया गया है कि इसमें अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ। आज हमारे इधर 5 साल से पानी की एकदम तकलीफ है, हमने यहाँ पे बोरिंग लगाया तभी लोगों का पानी का प्रश्न थोड़ा हल्का हुआ है, इसलिए हमको विकास के मुद्दे पे इधर बीजेपी ने भेजा है कि आप विकास करो बस।